टिंकू भाई साहब आगे कर लो, फड़वा फड़वा टिंकू भाई साहब, वही देश पे राज करेगा। हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, चलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जो है ये टिकने वाली नहीं है, मैं बहुत लोगों से कहते आ रही हूँ, क्योंकि जो सीट शेयरिंग की जब बात आएगी तो हर एक प्रदेश में हर एक पार्टी का अपना अपना हक होता है, इसके लिए वो लड़ेंगे। तो जिस तरीके से हम सभी लोग सोच रहे थे कि आईएनडीए कभी भी एकजुट नहीं रह सकता है, वो आज सच साबित हुआ है। लेकिन इसमें नुकसान किसका है ये सोचने की बात है, देश की जनता के इसमें नुकसान है। एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के फेज में जो आगे आए हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने सेल्फिश रीजंस के लिए, आपने एक ऑपोजिशन बड़ा ताकत बन के निकले थे, वो तोड़ दिया आपने, आज देश की जनता का इसमें नुकसान है। तो अभी हमारे जैसे पार्टियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे आए, जनता के लिए काम करें और ये सिलेक्शन में पूरी ताकत के साथ लड़े, हम लड़ेंगे जनता के साथ। क्यों है या फिर टूटा क्यों है, क्या वजह रही इसकी? बिल्कुल सेल्फिश रीजन से, जैसे मैं पहले भी मैं 3-4 महीने से कह रही थी कि ये 5 प्रदेशों के इलेक्शन खत्म होते ही आईएनडीए गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग की जब बात आती है आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी देश भर में लड़ते हैं तो दिल्ली में कैसे सीट शेयरिंग करेंगे, पंजाब में कैसे सीट शेयर करेंगे, टीएमसी और कांग्रेस देश भर में लड़ती है तो सीट शेयरिंग कैसे करेंगे, तो बंगाल में वही हुआ। अल्टीमेटली इन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा है, इन्होंने लोगों के प्रति जो वादा किया था कि एक ऑपोजिशन बन के खड़े रहेंगे वो वादा उन्होंने तोड़ा है, तो उनको जवाब दें। जाति की जो संख्या है उसके आधार पर सरकार की समझ में क्यों नहीं आती बात? देखिए मुझे लगता है कि एक आदत सी पड़ गई है सारे पार्टियों को, वादा करते इलेक्शन से पहले बाद में निभाना भूल जाते हैं। कांग्रेस जब सरकार में थी 4,900 करोड़ उन्होंने स्पेंड किया और जाति का जनगणना कराया, लेकिन वो रिजल्ट बाहर देने के लिए भी वो डर गए थे। जो सच्चाई है अल्टीमेटली कभी न कभी लोगों के सामने आनी है, तो इसीलिए हमें जोर देने की जरूरत है कि ओबीसी की जातियों की जनगणना हो। जनगणना के आधार पे बाकी सारे स्कीम्स डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो, सभी कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा को समर्थन दे दिया, नीतीश कुमार ने, इस पर क्या बोलना चाहिए आप? नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर है, हम उनसे कुछ भी टिप्पणी नहीं। ईवीएम का एक लगातार प्रश्न चिन्ह हो रहा है। नहीं, फिलहाल तो जो ईवीएम का सिस्टम पूरे देश ने एक्सेप्ट किया है वो हर प्रदेश में चल रहा है, कहीं कहीं कंप्लेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए एक क्लैरिफिकेशन दे दे देश की जनता को कि ईवीएम ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेंगे और वोट डाल सकेंगे। मध्य प्रदेश में आपको क्या संभावना लग रही है तीसरी ताकत के रूप में?